हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी कूल एंड एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज है संडे, मींस रविवार है। दोस्तों आज जो वीडियो होगा वो अपना ना ही तो किसी ड्राइंग से संबंधित होगा, ना ही ज्योग्राफी से संबंधित, यानी कि किसी भी वो लेक्चर यानी कि एजुकेशन से संबंधित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है या कमेंट आता है कि सर हमें बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, याद करने की, लेकिन फिर भी हमें लर्न नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता। हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें याद नहीं हो पाता। तो दोस्तों कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, यानी कि अपने याद करने से संबंधित हम 90% काम कर लेते हैं, और ये लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जो 10% काम होता है वो अपन नहीं कर पाते। कुछ बच्चे इस 10% काम को कर जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे इस 10% काम को छोड़ देते हैं। दोस्तों यहीं से दो बच्चों का डिवाइजन होता है, एक जिन्हें अपन कमज़ोर कह देते हैं और दूसरे अपन जिन्हें अपन इंटेलिजेंट कह देते हैं। बच्चों पढ़ाई से भी करते हैं, कुछ 80% तक, कुछ 90% तक, और लगभग जो बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, वो हर एक बच्चा अपना 80% जो है अपना एफर्ट लगा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं 20% 20% जो है अपना एफर्ट मिस कर रहा है। यानी कि दोस्तों बात ये है कि अपन ने जो अपना काम है उसका बहुत प्रतिशत हिस्सा अपन ने कर चुका है, लेकिन बहुत थोड़े हिस्से को अपन मिस करके जाने अनजाने में हम कमज़ोर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों कौन से होंगे वो 20% काम जो हमें कमज़ोर से इस इंटेलिजेंट वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं? दोस्तों वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और कमेंट करके भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हर संडे इसी तरीके का अपन एक ना एक वीडियो अपलोड करते रहें, एक ना एक वीडियो अपन शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो सके, उसे याद करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, जो याद रखने की क्षमता है वो इम्प्रूवमेंट हो, बढ़े, ऐसे कौन से ट्रिक्स होंगे, कौन कौन से ऐसे उपाय होंगे? तो दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में ऐसे तीन उपाय की। पहला आपका उपाय होगा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। दूसरा जो उपाय होगा वो आपका वो होगा रीड इफेक्टिवली, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि थोड़ा पढ़ो लेकिन वो इफेक्टिवली पढ़ो, मज़ेदार पढ़ो, जोरदार पढ़ो, ज़बरदस्त पढ़ो। और तीसरा जो होगा ट्रिक वो होगा रिपीटेशन यानी कि रिविजन। दोस्तों आपको कॉमन से चीज़ें देख सुनने को मिली है, तीनों चीज़ें आप बहुत बार सुन सके होंगे कि एकाग्रता और इफेक्टिवली रीड और रिपीटेशन, तीनों कॉमन सी चीज़ है। लेकिन ये कॉमन सी जो चीज़ है इनको अपन किस तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, क्या वजह होती है जिस तरीके से अपन इनको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते और अपना बहुत कुछ मैटर छूट जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो अपना फर्स्ट उपाय है वो है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। दोस्तों एक समय पर एक ही काम करें। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं कि आपको मॉर्निंग में उठकर पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं आपको नाइट में पढ़ना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं ये कहता हूँ जब आपका मन करे तब पढ़ना चाहिए। आप ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को बिठाए रखोगे और अपना एकाग्रता जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं डाल पाओगे, तो जो चीज़ आप कर रहे हो वो कभी नहीं हो पाएगी। यानी कि जो भी चीज़ आप करो बिल्कुल पूरे एकाग्रता के साथ करो, और ये कब होगा हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब अपने को उस काम करने की इच्छा हो। मान लीजिए आप रूम में बैठे हो, स्टडी रूम में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपका माइंड भी बाहर जा रहा है, खेलने के लिए कर रहा है, तो आप उस टाइम पे स्टडी ना करके आपको खेलना चाहिए जिस टाइम पे आपको बेटर लगे। मॉर्निंग में अगर आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मॉर्निंग में ज़्यादा नींद आती है, तो वो अपना टाइम शेड्यूल वो रखे जिस टाइम पे उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। हालांकि ये जो है ना कॉन्सेंट्रेशन पावर मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाते, तो आपको इवनिंग में ट्राई करना चाहिए, आपको नून में ट्राई करना चाहिए, आप लेट नाइट तक पढ़ सकते हो तो वहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। यानी कि आपका जो फिक्स शेड्यूल है वो ये नहीं होना चाहिए कि जो सब बच्चों के लिए एक ही रूल लागू हो। कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग में पढ़ना, कुछ नाइट में और कुछ दिन में, तो आप जिस टाइम पे एकाग्रता अपनी लगा सकते हो उस टाइम पे ही आप पढ़ाई करें। अब दोस्तों बात आती है कि आपको कैसे पता चले कि एकाग्रता कब लगाई जा सकती है, कब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो हाई पीक पे रहता है। तो दोस्तों आप याद करते होंगे, आप पढ़ते होंगे, और आपको ये भी महसूस होता होगा कि कौन से टाइम पर आपको ज़्यादा याद हो रहा है।
ठीक उसी टाइम पर आप पढ़ाई करें। आप समझे कि जो जिस टाइम पे आपने पढ़ा है और आपको याद हुआ है, मतलब इस टाइम पे अपना कंसंट्रेशन पावर अच्छा काम करता है और इस टाइम पे अपने लिए जो एनवायरनमेंट है और जब ना टाइम है वो सूटेबल है, अपनी बॉडी भी इस टाइम पे सूटेबल है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं सर एकाग्रता है वो आ ही नहीं पाती, तो उनका जो मन जो है, जो माइंड है, वो डाइवर्ट है, अलग अलग चीज़ों में भागता दौड़ता रहता है, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन जैसे उपाय अपनाने चाहिए। मेडिटेशन से संबंधित अपन एक अलग से वीडियो देखेंगे, तो मेडिटेशन जैसे संबंधित उपाय अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका फर्स्ट ट्रिक कंसंट्रेशन। सेकंड ट्रिक की बात करते हैं, जो सेकंड ट्रिक था वो था थोड़ा पढ़ो लेकिन जो है इफेक्टिवली पढ़ो। दोस्तों एग्जाम जो टाइम होता है, एग्जाम टाइम में आपके पास में बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारे सिलेबस का आपका रिविजन करना होता है। अब कुछ बच्चे इस किताबों के बोझ में इतना दब जाते हैं कि वो जो पहले भी जो उनको याद था वो भी भूलने लग जाते हैं, यानी कि उनके माइंड में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बच्चे इस तनाव में ग्रसित हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, तो उनको जो पहले से भी लर्न है वो भी वो अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो टाइम होता है, एग्ज़ाम टाइम में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे कि मॉडल पेपर हुए या फिर जिस पॉइंट पर आपका बिल्कुल जो है पढ़ नहीं पाए आप, जिस पॉइंट को आप बिल्कुल मिस कर रहे हो, आप उस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना पढ़ रहे हो आप उसको पूरा इफेक्टिवली पढ़ो। अगर आप किताब खोलकर आगे से पीछे तक रट्टा लगाए जा रहे हो, कंटिन्यू पढ़े जा रहे हो, तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं होने वाला याद, यानी आपको ना ही तो फर्स्ट सिलेक्शन होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही थर्ड होगा, ना ही फोर्थ होगा। आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना चाहिए, और ये इसका सीधा सा उपाय है, आप मॉडल पेपर एग्जाम टाइम में पढ़ें। क्या कि मॉडल पेपर में 20-25 क्वेश्चन होंगे, आप उसे आसानी से क्लियर कर लोगे और आपके दिमाग में एक सांत्वना आ जाएगी कि हाँ अपन ने पढ़ाई कर ली है, अपना एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। जब आप किताब उठाओगे और किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि आप फर्स्ट चैप्टर में फंसे रहोगे, टाइम काफ़ी निकल जाएगा, सेकंड चैप्टर में फंसे रहोगे, फिर सोचोगे कि इतने चैप्टर बचे हुए हैं और जब इतना करना है, इतना पढ़ना है, तो फिर स्ट्रेस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और तनाव जब बढ़ जाता है तो जो आप करना चाहते हो वो भी आप पूरी तरीके से नहीं करना कर पाते। अच्छा दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट था थोड़ा पढ़ो लेकिन इफेक्टिवली पढ़ो, स्ट्रेस से बचकर रहो। थर्ड उपाय है दोस्तों, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है रिपीटेशन, दोहराव, पुनरावृत्ति, जिसे अपने प्राचीन ग्रंथों में मनन कहा गया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेशन। दोस्तों एक चीज़ अगर आप माइंड के कॉन्सेप्ट को समझोगे, माइंड के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अपनी जो माइंड है वो टू पार्ट में डिवाइड है, एक को कॉन्शियस एंड दूसरे को सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, चेतन और अवचेतन मन कहा जाता है। दोस्तों कॉन्शियस जो माइंड होता है वो एनी टाइम एक्टिव होता है, यानी कि अपने ये जो माइंड है इसकी अगर अपन मेमोरी की बात करें तो इसकी मेमोरी जो है उसमें कुछ जो अपन डाटा डाल रहे हैं, कुछ आंकड़े जो याद कर रहे हैं, वो इसमें परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं, वो इसमें कुछ समय बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, अगर अपन मेमोरी के तरीके से समझे तो। यानी कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा हर टाइम एक्टिवेट रहता है, जो भी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो अपना कॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर हो रहा है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अभी मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड में एक लिमिटेड मेमोरी होती है, तो जो पीछे वाली मेमोरी है ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाती है। ओके दोस्तों, तो क्या किया जाए कि दूसरा जो सब कॉन्शियस माइंड है, इस माइंड में इसकी अनलिमिटेड मेमोरी है, यानी कि इसकी जो कंप्यूटरी एक क्षमता है उससे भी कई गुना ज़्यादा, यानी कि आप कब कितना भी इसमें स्टोर कर सकते हो, कितना भी आप इसमें लर्न कर सकते हो, यानी कि इस मस्तिष्क में कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए स्टोर रहेगी, कभी डिलीट नहीं होगी, यानी परमानेंटली माइंड इसे अपन कह सकते हैं। ये कौन सा है, टेम्परेरी माइंड, इसमें कुछ चीज़ें जाती है और कुछ समय बाद में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, फिर नई चीज़ें जाती हैं, फिर वो नई डिलीट हो जाती है। अच्छा अपन ऐसा क्या करें कि ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें इस माइंड में चली जाए, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए सेव रहे। तो दोस्तों जब अपन पढ़ रहे होते हैं, जब अपन क्लास ले रहे होते हैं, जब अपन लेक्चर पढ़ रहे होते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, तब सब चीज़ें कहाँ स्टोर होती है, कॉन्शियस माइंड में होती है। अब करना क्या होगा,
इस माइंड से इस माइंड में इसे कन्वर्ट करने के लिए अपने को रिपीटेशन करना होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप 10 घंटे 15 घंटे 24 घंटे या फिर 30 घंटे बाद में उसका आपको रिपीटेशन करना ज़रूरी होता है। और दोस्तों रिपीटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पहले किताब खोलकर पढ़ रहे थे उसी तरीके से दोबारा से आप किताब खोलकर उसका रिपीटेशन करो, नहीं। आपको जो रिपीटेशन करना होगा वो मनन के रूप में करना होगा, यानी कि किसी भी टाइम पे एनी वेयर एनी टाइम कहीं पर भी और कभी भी आप उस चीज को वापस अपने माइंड में रिवाइज करो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, लेकिन वो कहाँ पर है? कॉन्शियस माइंड में है। दो दिन बाद में वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट होने वाला है। इसे बचाकर इधर डालने का काम होता है मनन करना। मनन करने का मतलब हो गया कि जो चीज़ पढ़ी है आप उसको रिपीट करो। उसको रिपीट करने के लिए किसी भी स्थान पर किसी भी टाइम में आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे कि ट्रेवल करते हुए या कहीं पर जा रहे हो तब, या फिर खाली समय में बैठे हो तब। यानी कि करना क्या होता है, जो चीज़ें अपन ने पढ़ी एग्जैक्ट उसको माइंड में रिवाइज करना होता है। जो माइंड में रिवाइज कर रहे हैं अगर कोई सा पॉइंट अपन छोड़ रहे हैं तब अपन बुक खोलकर उस चैप्टर उस पॉइंट को दोबारा से देखें। यानी कि मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, अब आपको वो याद है पूरी तरीके से, लेकिन दोस्तों वो परमानेंटली नहीं है, वो दो तीन दिन बाद में डिलीट होने वाला है, वो आप भूल जाने वाले हो। तो आपको करना क्या है, उसको रिवाइज करना है 30 घंटे बाद में 40 घंटे बाद में उसे रिवाइज करना है। पूरे चैप्टर को वापस सोचना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या कौन कौन से पॉइंट अपन ने याद किए। अगर आप लोग ऐसा कर पाते हैं यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें आप इसे रिवाइज कर पाते हैं तो वो क्या होगा, उसको एक महीने पर कीजिए, फिर दो महीने पर कीजिए, फिर तीन महीने पर, इसको तीन चार बार रिपीट कीजिए। और जैसे ही आप तीन चार बार रिपीट करेंगे दोस्तों पूरा का पूरा मैटर सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और परमानेंटली सेव रहेगा, लाइफ टाइम कभी भी वो चीज़ आप भूल नहीं पाओगे। तो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखने की, वो है दोस्तों रिपीटेशन। आपको पुनरावृत्ति करनी होगी किसी भी पॉइंट को याद रखने के लिए। आप हमेशा हमेशा अगर किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हो तो आपको उसका रिवीजन करना ही होगा, वरना वो थोड़े समय बाद में ऑटोमेटिकली आप भूल जाओगे। फिर कहोगे कि सर हम याद तो करते हैं लेकिन वो थोड़े समय बाद में हम वापस भूल जाते हैं। दोस्तों जो माइंड का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, आपको करना क्या है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में डाटा को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। यानी याद होने के बाद में आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, चार पांच बार, यानी कि पांच महीने तक आप उसको पहले फर्स्ट टाइम 24 घंटे बाद में करेंगे, फिर आपको उसको चार दिन बाद में, फिर आप उसको 16 दिन बाद में, फिर आपको उसको एक महीने, फिर चार महीने और फिर आठ महीने। इस तरीके से आप चार पांच बार रिवाइज कर लीजिए। इतना अगर आप कर पाते हो तो वो चीज़ें आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए सो रहेगी, स्टोर रहेगी और सेव रहेगी, कभी भी आप उसे भूलोगे नहीं। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, आप कुछ चीज़ों को समझ पाए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए, ताकि ऐसे ही वीडियो अपन हर समय या हर संडे को ऐसे ही एक वीडियो अपलोड करते रहें और कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करता रहूं। ओके दोस्तों, खुश रहिए और सर्दी से बच के रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।